मैसेज ग्रुप पर डलवा दीजिए, ऊपर पड़ी है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, उससे पहले इंदौर में रहवासियों ने बहिष्कार का फैसला कर दिया। यहाँ एक होर्डिंग लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि हम सब विकास के मारे हैं, हम तो सिस्टम से हारे हैं, कृपया कर यहाँ राजनीतिक दल वोट मांगने ना आए। क्या समस्या है, किस लिए इस तरह का पोस्टर लगाया गया है? ये एक्चुअली क्या, यहाँ पर जो पानी की निकासी ड्रेनेज सिस्टम जो फेल हुआ है, जो गड्ढा कर दिया गया कुछ सामाजिक टाइप के लोगों ने, लिमिटेड लोगों ने, जिसको बहाना बताया जा रहा है कि पानी जो ड्रेनेज लाइन का पानी है उधर जो प्राकृतिक रास्ता बना हुआ है उसमें पहले जाता था, लेकिन उन लोगों ने जो इसको ब्रेक कर दिया, उसकी वजह से यहाँ की कॉलोनी में प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ तक कि हमारे आसपास के जो है ट्यूबवेल में इतना गंदा पानी हो गया इस सिस्टम फेल होने की वजह से, तो इस ड्रेनेज का जो पानी है वो धीरे 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 ट्यूबवेल होन में जाने लग गया है, जिसकी वजह से मैं स्वयं भी इसमें शामिल हूँ। मेरा स्वयं का ट्यूबवेल कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आज पिछले 1 महीने से हम लोग पानी का प्रदूषित पानी उपयोग करने के लिए मजबूर है, है ना। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मजबूरी में हमको RO खरीदना पड़ा, जो कि एक सीनियर सिटीजन लोग जो है तमाम तरह की इस तरह की परेशानियाँ आती हैं कि छोटा सा भी अगर कोई गलत पानी पीने में आ जाए तो परिवार का परिवार ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हमको ये तमाम समस्याओं से बचने के लिए लोगों को सबको साथ में लेकर के ये चीज़ को भविष्य में, चूँकि ये रास्ता हमेशा पहले पुराना, जब हमने प्लाट लिया था उस समय ये सिस्टम पानी की जो कॉलोनी का पानी पूरा इस नाले में जाता था, जिसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, उसके लिए पाइपलाइन भी डाल रखी थी जो कि निकाल दी गई है। यहाँ पे भी ड्रेनेज का पानी जो बरसात में भी आता है, खेतों का पानी भी इसी रास्ते से नाले में जाता था, उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो आज धीरे 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 हमारे यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा फेल हो रहा है, और फेल होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, कोई परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं। और भी रहवासी हैं, उनसे जानेंगे कब से ये समस्याएं हैं, कब से आप लोगों ने शिकायत की जनप्रतिनिधियों का, क्या कहा गया उनके? जी हाँ, शिकायत तो बहुत बार की, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ पर जो है डेवलपर और कॉलोनाइजर ने जिस तरह से व्यवस्था की है उसमें हम लोग फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। ये यहाँ पर छोटा सा गड्ढा बना दिया गया है, पूरे कॉलोनी का पानी यहाँ पर आके जमा हो रहा है और ये पानी बैक फोर्स मार रहा है। ये तो ये समस्या आने वाली है आगे कि यदि बरसात होती है तो सारे घरों में जो है गंदा पानी भर जाएगा। और अभी ये हालत है यहाँ, दीर्घ इतनी दुर्गंध फैली हुई है, इतनी परेशानी फैली हुई है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है हमारे लिए। और यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं, और परेशानी ऐसी है कि पीने का पानी कल जो है दूषित आ रहा है और सब लोग बीमार हो रहे हैं। इसकी कोई समस्या नहीं है, शासन को प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ये समस्या को दूर करना चाहिए। हम लोगों का क्या हाल होगा, कॉलोनाइजर को बुलाए, उनको बोले, उनको पूछे कि क्यों ये ऐसा हुआ करके। हम लोग तो धोखा खा गए, अब तो हम सब यहाँ कॉलोनी में बस गए, हम कोई यहाँ से अब कहीं शिफ्ट होंगे कि कहीं जाएंगे कि कहीं भागेंगे, हमको हम तो यहाँ पर सब मध्यम परिवार के लोग हैं, किसी तरह अपना गुजारा करते हैं और इस समस्या में फंसे हुए हैं। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए, हमारी समस्याओं को देखो, आओ यहाँ पर हमारे साथ रह के देखो एक दो दिन, तो पता चलेगा कैसे क्या होता है यहाँ पर, कैसे हम लोग रहते हैं। तो थोड़ा हम यहाँ आओ तो सही, देखो तो सही, तो समस्या का समाधान निकालो हमारे लिए। अब हमारे सिर से पानी ऊपर हो गया, हम जो है समस्या का समाधान चाहते, वरना हम लोग बहुत हेजिटेशन करेंगे, हम लोग अब चुप नहीं रहने वाले, हम लोग किसी तरह भी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सर से पानी ऊपर उठ गया है और हम जो है बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। क्या मांग करते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, क्या मांगे हैं आप लोगों की, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी बस यही मांगे हैं कि हमारा जो समस्या है, ये ड्रेनेज की समस्या है, उसका समाधान किया जाए। उसमें इतने मच्छर हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और ये समस्या कई सालों से चली आ रही है। हमने कई बार इसका मुद्दा भी उठाया था पर कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। कलेक्ट्रेट से भी शिकायत की, क्या 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 हुआ? बिल्कुल की हुई है। क्या क्या हुआ? कलेक्टर से भी बहुत बार शिकायत की है, लेकिन इस मुद्दे पे वो लोग कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। कॉलोनी नाइजर के खिलाफ भी वहाँ पे हमने तारीखें दी जाती है हमें, और आगे कुछ भी नहीं होता है। तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन वहाँ से कॉलोनी नाइजर के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं, तो आपको लगता है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन
हम सभी ने मिलजुल कर ये निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में हम सभी राजनीतिक दलों का अपना वोट ना देकर बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी मूलभूत सुविधाओं से हमको वंचित या जो हमारी समस्याएं उनको दूर नहीं किया जाता है, तब तक हम इस आंदोलन से जुड़कर इसको और भी आगे बढ़ाकर जिम्मेदारों के ऊपर दबाव बनाएंगे कि वे अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कब से ये शिकायतें हैं? कब से? करीब 4 कॉलोनी जब से बनी है तभी से शिकायतें, लेकिन अब जैसे जैसे कॉलोनी डेवलप होती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, ये समस्या बढ़ती जा रही है। हमें जब जब हम गए कॉलोनी नाइजर के निवास पर भी गए हैं और डेवलपर्स के ऑफिस पे भी गए हैं, हमें केवल आश्वासन दिया जाता है और काम कुछ भी नहीं किया जाता है। प्रतिनिधियों से शिकायत की, क्या कहा उनसे, उनके तरफ से क्या आश्वासन? जन प्रतिनिधि यहाँ के जो भी हैं, वर्तमान पंचायत, पूर्व पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, सब के संज्ञान में हैं। जो यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों के संज्ञान में है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ये इंदौर रामजी वाटिका 2 फेज के रहवासी थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और वो अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं। संजय कुमार, नवभारत टाइम्स, इंदौर।